बीजेपी नेता पर हमले के आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। बीजेपी नेता और उसके भाई पर चाकू से हमले का यह पूरा मामला है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है, ये दोनों ही भाई हैं। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। हमले में घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने हमला किया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 का ये पूरा मामला है। राजकुमार साहू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कल बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ था, आरोपी भी अरेस्ट हो चुके हैं और आपसी रंजिश बताई जा रही है, आखिर ये क्या विवाद था कि बीजेपी नेता और उसके भाई पर चाकू से हमला किया गया? देखिए आकांक्षा, ये मामला जांजगीर के वार्ड 6 का है और ये जो आरोपी हैं वो भी दोनों सगे भाई हैं, जिसमें सोनू बजाज और राजू बजाज है और इन दोनों ने मिलकर के चाकू से हमला किया था भाजपा नेता संतोष साहू और उसके भाई योगेश साहू पर। और ये काफी गंभीर मामला है, जिस तरह से पुरानी रंजिश को लेकर के ये जो दोनों आरोपी भाई है वो आक्रामक हुए और अचानक वहां पर गाली गलौज कर रहे थे, उसके बाद से जब इन लोगों ने मना किया तो उसके बाद चाकू से हमला किया था। और इस घटना के बाद से गंभीर रूप से घायल जो भाजपा नेता संतोष साहू है उसे जिला अस्पताल जांजगीर से बिलासपुर रेफर किया गया था, जहां बिलासपुर में इलाज जारी है। इस मामले में जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद से एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल और डीएसपी विजय पैकरा तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे और पुलिस टीम को अलर्ट किया गया। और उसके बाद से जो ये दोनों आरोपी हैं, जो सगे भाई हैं सोनू बजाज और राजू बजाज, इन दोनों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार किया। और इसके बाद से इस मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है आकांक्षा। और खास बात यह है कि इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इन आरोपियों को भगाने में दूसरे युवकों ने भी मदद की थी, तो अभी पुलिस अन्य आरोपियों के खिलाफ भी इस मामले में गिरफ्तारी कर सकती है। और राजकुमार, जो घायल हुए हैं बीजेपी नेता उनके भाई, उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल? देखिए आकांक्षा, इसमें जो भाजपा नेता संतोष साहू है उसकी हालत गंभीर है और उसे बिलासपुर रिफर किया गया है और अभी उसका इलाज बिलासपुर में जारी है, लेकिन उसका जो भाई है योगेश साहू उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति ठीक है, उसे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगी नहीं है, तो अभी फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो जिस तरह से ये पूरा गंभीर मामला था और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा नेता पर ये चाकू से हमला हुआ था, उसके बाद पुलिस भी तत्काल अलर्ट और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजकुमार।